फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति सनशाइन के यूट्यूब चैनल से अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्लास 7 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो आप देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को समझ लीजिए। यहाँ देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होता है, हिंदी में भिन्न बोलते हैं इसको, भिन्न, तो हिंदी में ज्यादा बात समझिए, इंग्लिश में ये फ्रैक्शन को समझ लीजिए कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल थिंग्स। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी पूरे वस्तु का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। जैसे देख लीजिए, अगर आपको कोई एक पिज्जा दे दे, ठीक है, अगर उसको हाफ अगर बोल दे कि दो लोगों को बांटना है, तो आप क्या करते हो, हाफ कर देते हो। हाफ कर दिए तो कोई पूछ दिया कि गलती भागा, गलती भाषा में एक पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कितना था, एक ही पिज्जा था ना, अब कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, तो एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/2 और एक दूसरे भाग को 1/2। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1/2 को हमने गलती भाषा में ये लिख दिया ना, आधे भाग को 1/2, यही क्या है, यही फ्रैक्शन है। 1/2 को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि वह क्या है, एक होल थिंग से पूरे भाग का एक पार्ट है। ओके, अगर कोई अगर एक पिज्जे को तीन भागों में बांटना हो, तीन भागों में, तब क्या बोलेंगे, एक था और कितने भागों में करती है, तीन भागों में करती है, तो प्रत्येक को 1/3 कर सकते हैं। यानी कि एक होल थिंग था, एक पूरा भाग किसी वस्तु का भाग था, और उसको कितने भागों में कर दिया, तीन भागों में कर दिया गया है। अब देखिए, अगर किसी थिंग्स को यानी उस पिज्जे को अगर चार भागों में कर दें, तो एक का कितना पार्ट हो गया, चार पार्ट हो गया, तो प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इतना समझ गए कि यानी किसी वस्तु को कई भागों में बांटेंगे तो जो पार्ट होगा, यानी कि किसी वस्तु को अगर एक भाग एक बार यानी कि दो भागों में बांट दिया है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर सिर्फ दो भागों में बांटे हैं तो 1/2। अब देखिए 1/2 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन में ये दो भाग होते हैं, दो चीजों से फ्रैक्शन बनता है, एक ऊपर वाले और नीचे वाले, क्योंकि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यही समझिए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल थिंग्स, क्या एक फ्रैक्शन जो होता है एक पूरे का एक पार्ट होता है, इट इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट एन इंटीजर, यह क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, यह क्या है, इंटीजर नहीं है, दैट इज नॉट एन इंटीजर, यह इंटीजर नहीं है, यह क्या है, यह न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फ्रैक्शन दो पार्टों से मिलकर वाला है, फर्स्ट आपको बताए ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही समझना पड़ना है। ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन के टाइप्स में हम आ गए प्रॉपर फ्रैक्शन में, फर्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है, कोवेलेंट फ्रैक्शन होता है, तो आपको क्रमशः ऐसे आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल, कहना है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, होल का एक पार्ट होता है, भाग होता है, इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इसका जो न्यूमरेटर होता है यानी कि ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन का लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर रेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर। ठीक है,
फ्रैक्शन को इस तरह लिख सकते हैं आप, ये तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो कह रहा है कि यहाँ पे कि नॉमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर जो होगा हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब देखिए यहाँ सेवन है तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटर हो गया, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है अलेवन, तो सेवन क्या है अलेवन से छोटा है। वही देख लीजिए यहाँ क्या है नाइन है, यहाँ पे फाइव है, तो फाइव नॉमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से क्या है वो छोटा है। ठीक है, अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच द नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि नॉमिनेटर क्या था डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इसमें नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसमें नॉमिनेटर क्या होगा वो अधिक होगा, किससे डिनोमिनेटर से। यहाँ देखिए 15 है यहाँ 13 है, तो 15 अधिक है, यहाँ 9 है यहाँ 7 है, तो यहाँ पे क्या है 9 अधिक है। ठीक, अब देखेंगे तो जो नॉमिनेटर होगा वो सभी से, जो डिनोमिनेटर होगा उससे अधिक होगा। तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, इसी तरह कंसेप्ट पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अब थर्ड नंबर पे है लाइक फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर था, यानी कि नॉमिनेटर क्या था डिनोमिनेटर से छोटा था। इम्प्रॉपर में नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बड़ा था, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को समझ लिया। अब आइए लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो तो कैसा क्या होगा लाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे आप देखिए फ्रैक्शन 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, इनकी डिनोमिनेटर क्या है सभी का 999 है, तो जब डिनोमिनेटर सभी का सेम रहेगा तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंस डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंस हो, विभिन्न हो, चेंजिंग हो, प्रत्येक डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो, ठीक है, तो क्या होगा डिफरेंस होगा, उसमें अंतर होगा डिनोमिनेटर में, तो क्या कहलाएगा अनलाइक। अब देखिए लाइक में क्या था, लाइक फ्रैक्शन में था कि डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंस होगा तो क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/9 इसमें डिनोमिनेटर 9 है, 3/8 इसमें डिनोमिनेटर 8 है, 4/7 इसमें डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है डिफरेंस है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन हो गया अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे, ए फ्रैक्शन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका कॉम्बिनेशन क्या हो होल नंबर हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लीजिए कि उसमें अगर कोई जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया है 3/7 कर लीजिए, ठीक है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन, एक चीज का ध्यान दीजिएगा जो प्रॉपर फ्रैक्शन
ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, ये प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर अगर होगा तो नॉमिनेटर उसमें सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जो नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे हो गया, तब इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फाइव में क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो टू टू जा फोर। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ आ जाता है तो इसको क्या करते हैं आप होल के रूप में रखते हैं, ऐसे होल के रूप में जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है इसको नॉमिनेटर के रूप में, और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर आपका है, ठीक है। अब इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको एड कर देते हैं, तो टू टू या फोर वन फाइव अपान टू, ठीक है। तो कन्वर्ट करना भी इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर आया, इसमें डिवाइड करके ऐसे करके हम निकाल लेते हैं टू एंड वन अपान टू, ठीक है। अगर इस तरह दे दिया कि टू एंड वन अपान टू को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ होल लगा रहता है, ठीक है। जैसे टू एंड थ्री अपान फोर, फोर एंड फोर अपान फाइव, फाइव एंड फाइव अपान सिक्स, ठीक है। अब यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बहुत ही इजी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग नॉमिनेटर एज वन इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। इसमें जो होगा कि नॉमिनेटर होगा सभी का वन ही होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे वन अपान सिक्स, वन अपान एट, वन अपान टू, वन अपान फोर, ये सब क्या है, ये आपके यूनिट फ्रैक्शन है। अब आइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू आर मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जो क्या है ऐसे प्रेजेंट करते हो कि दोनों का एक ही होल यानी कि होता है। जैसे देखिए टू अपॉन थ्री हो गया, टू अपॉन थ्री है, अगर इसका इक्विवेलेंट अगर फ्रैक्शन को देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे टू अपॉन थ्री हो गया। अब इसमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो पहले क्या है वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से तो यही आएगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर को ज्ञात करने के लिए टू से करते हैं, तो टू टू जा फोर और टू थ्री जा सिक्स, ये भी क्या है थ्री टू अपॉन थ्री का इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो टू में थ्री से और थ्री में भी थ्री से, टू अपॉन थ्री में थ्री से, तो ये क्या है ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला, ये तीसरा निकलेगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जाना है, ठीक है। इसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाते हैं कि एक ही नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हुए निकालते हैं। पहला तो हमारा टू अपॉन थ्री दिया, अगर कोई दूसरा पूछ देगा दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा इसका तो टू से करेंगे, तीसरा पूछ देगा तो थ्री से करेंगे, चौथा पूछेगा तो फोर से करेंगे, इस तरह करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें इस वीडियो में आपका फ्रैक्शन व्हाट इज फ्रैक्शन ये कंप्लीट हो गया, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इतने फ्रैक्शन इसके टाइप्स में होते हैं, इसको हमने आपको बता दिया। ध्यान से इसको समझ के वीडियो देखिए, और जो बुक में दिया है बुक से क्या करिए सभी का जो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने बताया उसका डेफिनेशन जो है जो एग्जांपल है उसको बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटिव आने वाले जो एक्सरसाइज होगी 2.1 उसमें आप उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन मिलेंगे, ओके।